सब कोई बोलते हैं कि मुझे कैसे पता मेरा बेटा है कि बेटी है, तो बता दे कमेंट में जरूर बताना कि मैं मेरे बेटी का क्या नाम रखूं। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सहिता। सबसे पहले आप सबको खूब 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 सारा प्यार है। और आज है संडे, है ना? संडे में बच्चे होते हैं घर पे। ये रहा मेरा लाडे सर। मेरा लाडे सर आज इसलिए फील ऑफ ऑफ हो रहा है कि उसको वहाँ पार्क में जाना था खेलने, जो कि फुटबॉल या फिर क्रिकेट, और वहाँ पे मना हो गया कि आप फुटबॉल और क्रिकेट था, मैं थोड़े दिन चला जाता। तो अब ये बोर हो रहा है, तो अब देखते हैं इसके बोर पे हम क्या फोकस कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अब बाहर ज़्यादा जाने वाले लाइक रही नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मुझे आज मूवी देखने का बहुत मन था, बट कैंसिल हो गया। मूवी का कुछ अब होता नहीं, समझ में नहीं आता ना कब किस टाइम क्या मूड रहे। तो व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे बहुत कुछ पूछना है मुझे आप लोगों से, तो व्लॉग के एंड तक रहना। और देखो यार, मैं फुटबॉल खेलना मना है, वो देखो वहाँ तो बच्चे खेल सकते हैं, ओनली बच्चे अलाउड है क्या कुछ भी खेलना? माँ भी तो बच्चे ही तो हो। अरे नहीं, 2-3 साल वाले बच्चे अलाउड है नीचे पार्क में फुटबॉल खेलना। कोई नहीं, आपसे तो कल से वापस स्कूल स्टार्ट है, फिर क्या टेंशन है आपके? बाकी के 2 दिन बीच में तो आने ही है, ऐसा तो है परमानेंट। नेक्स्ट सैटरडे फिर कोई बर्थडे इवेंट है आपको, कहीं अपने फ्रेंड्स के पार्टी में जाना है? किसने बोला? आई बाय इनविटेशन। कौन है? बताऊंगी मैं नाम। इस बार है ना, क्या बोलते हैं, हमारी क्लास में 2 लोगों का बर्थडे था, तो ऐसे ही हम दोनों माँ बेटे यही हैं। बट एक बात बता दूँ आपको, पता नहीं क्यों मेरे ना प्रेशर फिलहाल तो ठीक है, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जो मैंने किट्टो के वहाँ का व्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने स्वेटर नहीं पहनी थी, तो बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि स्टाइल करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, आप स्वेटर पहन लेते। तो मैं आपको बता दूं, मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, मुझे ठंड नहीं लगती है। अब पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है नहीं पता है। और दूसरी बात, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई ना। और उसके बाद अभी भी मैं सो रही थी ना, तो मैंने एकदम पतला सा चादर ओढ़ रखा था, और नींद से इसी रीज़न से उठ गई कि मेरे को एकदम पसीने आने लग गए थे मेरे, तो एकदम पतली सी कंबल है, फिर भी मुझे पसीने आने लग गए थे, तो फिर मैंने फ़ैन ऑन किया, तो यही हो रहा है। और बहुत सारे लोग ना मेरे, कौन फ़ैन ऑन करता है? तेरी मम्मा है ना। और यही हो रहा है कि मुझे ना सब कोई बोल रहे हैं कि दीदी एक ही एक एक ही एक एक ही एक चप्पल पहन रहे हो, तो भाई एक चप्पल है, क्रॉक्स है, बस वही से मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी निकलेगी, क्योंकि मैं हर कोई चप्पल में ना कम्फर्ट नहीं आती हूँ। अभी ये टाइम ये होता है ना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका कम्फर्ट जोन रहता है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ आपके कंफर्ट जोन में जो रहेगी वैसा ही आपको करना है, तो मैं वैसा ही कर रही हूँ। और आप देखो कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स आए हैं मेरे लाइफ में ना, फर्स्ट टाइम मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आए। और ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं भर भर के रेस्ट कर रही हूँ, भर भर के कुछ भी नहीं कर रही दूसरा, पता है। अब चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, इतने सारे कोरियर आए हैं, उनको मुझे ओपन करना है। सो ये हैं मेरे सारे कोरियर्स, जो कि कुछ तो राजस्थान से आए हैं और कुछ यहीं के हैं, और पिछले 7-10 दिनों के कोरियर हैं। अब मुझे उनको धीरे धीरे ओपन करना है, तो शूज़ करने हैं। और अभी ना ये टाइम पीरियड ऐसा लग रहा है कि यार सिर्फ रेस्ट करूं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा खुद को एक्टिव रखने की कोशिश कर रही हूं, कि होता है ना जितने हम खुद को एक्टिव रखेंगे उतना ही हमारा बेबी एक्टिव रहेगा। तो ये इन सारों के ना आपके पास शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर ज़रूर आएंगे, तो ज़रूर ज़रूर देखना शॉर्ट्स। तो मैं इनको ओपनिंग करती हूँ, जिनमें जो जो है उस हिसाब से आप लोग खूब सारा प्यार देना, बने रहना। तो यहाँ पे मैंने एक पार्सल खोला, जिसमें से निकली है 10 ड्रेसेस, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ मतलब कि 9 ड्रेसेस। मैं आपको ड्रेसेस तो पहन के दिखाऊंगी। ये साड़ी मुझे ना कर्बिनेशन से रिसीव हुई है, बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत ही अच्छे उनके कलेक्शन है। और यहाँ पे ये ज्वेलरी, ये सारी की सारी ज्वेलरी ना मुझे केशा ज्वेलरी से रिसीव हुई है, जो कि अभी मैंने मेरे अभी किट्टो अमित के वहाँ जो इवेंट था उसमें भी मैंने वही की पहनी है। और ये सारी की सारी, अब मैं इनको अनबॉक्सिंग करती हूँ, अनबॉक्सिंग करके फिर इनकी ज्वेलरी दिखाती हूँ, जो कि इतनी ज़्यादा बेस्ट होती है ना, मेरी फेवरेट वन होती है। तो अब मैं करती हूँ इनकी अनबॉक्सिंग। ये है सारी ज्वेलरी जो कि मैंने ओपन करके रख दी है, बहुत सुंदर सा कलेक्शन है। बहुत लोग बोलेंगे कि आपको तो फ्री में मिलती है, नहीं जी, आज के ज़माने में कोई किसी को फ्री में नहीं देता है, ये हमको ज्वेलरी या अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और हम उनको प्रमोट करके देते हैं, वो हमारा। तो यहाँ हेमंत को आ चुकी है नींद, और देखो पैर कैसे उठा के सोया, सो गया मेरा बेटा। और अब कुछ बातें करते हैं हम आपसे। जेठू जी गए हैं नीचे वॉक पे, क्योंकि आज सुबह वो जा नहीं पाए थे।
हाँ जी, तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि बेबी बॉय होने से क्या नाम रखूं और बेबी गर्ल होने से क्या नाम रखूं, है ना? कुछ सजेशन दो मुझे, क्योंकि फिर सेम टाइम पे क्या होगा क्या नहीं। और हाँ, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आपको कौन सा मंथ रनिंग है, तो बताऊंगी, थोड़ा सा और मुझे टाइम दे दो, मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो देखो, जो बेबी शावर होता है ना, वो 7 मंथ में ही होता है, तो बस, या 7 मंथ चलेगा या 8 मंथ चलेगा, दोनों में से एक ही चलेगा, बट मैं आगे बता दूंगी आपको। लेकिन आप लोग मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सरिता और जेठू के नाम से कोई वर्ड निकालो, या सरिता, जेठू, हेमंत, हम तीनों के नाम से वर्ड निकाल के, एक लड़के का नाम चाहिए और एक लड़की का नाम, मतलब बेबी बॉय का नाम चाहिए और बेबी गर्ल का। और हाँ, जो एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें हेमंत ने बताया था कि अगर मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम ये रखूँगा, तो उसमें मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि दीदी आपको कैसे पता आपकी बेबी गर्ल होगी। नहीं जी, सॉरी, मुझे नहीं पता कि मेरी बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगी, बॉय होगा, बस हम हमारा सपना देख रहे हैं। ये 9 मंथ्स हर माँ के मन में, हर पापा के मन में, हर भाई बहन के मन में यही रहता है कि क्या होगा, बहन होगी, भाई होगा, मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, तो उसी वे में है। तो देखो, मेरे पास बेटा तो है, अब मुझे ये दिलो जान से तमन्ना है कि मेरी बेटी हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है यार, पता नहीं, मैंने ना खांसी की दवाई की बोतलें ना 3-3, 4-4 ख़त्म कर ली, फिर भी खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। और जबकि बात करूँ तो वो देखो, वो गर्म पानी पीती हूँ मैं 24 घंटे, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना सरिता जेठू के नाम से भी एक प्यारा सा बेबी गर्ल का नाम और एक प्यारा सा बेबी बॉय का नाम, है ना, हेमंत से मैच करके भी, मतलब कुछ यूनिक सा हो, अच्छा सा हो, ताकि जब आगे हो तो आप लोग भी, आप लोगों को भी ऐसा लगे कि हाँ यार, हमने जो नाम बताया है उससे ही कनेक्ट हुआ है। और आगे के लिए क्या हो रहा है कि अभी मैं खुद को सिर्फ और सिर्फ मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे अब दिन नज़दीक आ रहे हैं, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार दीदी कोई पहली प्रेगनेंसी तो है नहीं। यार, प्रेगनेंसी में जो माँ होती है ना, वो चाहे पहली हो उसकी प्रेगनेंसी और चाहे 10वीं प्रेगनेंसी हो, वो हर प्रेगनेंसी में एक नया जन्म देती है, ये मान लो। मुझे पता है मेरे साथ क्या कंडीशन होती है, मेरे पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होता है, सांस में प्रॉब्लम होती है, खांसने में प्रॉब्लम होती है, हर सेकंड्स में वॉशरूम जाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और मुझे पता है कि सिर्फ मैं नहीं, हर माँ ये फेस करती है, और तभी भगवान ने ना ये इतना बड़ा वर्ड जो दिया है माँ, वो हम लेडीज़ को दिया है ना। तो ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती रहेंगी। जेठू जी आएंगे तो मैं जेठू जी से भी पूछवाऊँगी, वो गए हैं वॉक पे, करण सो गया है, अब मैंने मेरा दूध पी लिया है नाइट वाला, और जो भी रहेगा आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। बट आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि नाम क्या होना चाहिए, है ना। मैं आप लोगों के मैसेज सारे चेक करूँगी, और भी जो भी रहेगा मैं आप लोगों का रिप्लाई करती रहूँगी, क्योंकि मैं मैसेज पढ़ रही हूँ, कुछ चीज़ों का कुछ सही टाइम आने से ही रिप्लाई किया जाता है, हर टाइम नहीं बोल पाते हैं हम, तो कुछ चीज़ों के रिप्लाई के लिए थोड़ा सा सब्र रखिए। बिल्कुल मैं आपके हर बात का जवाब दूँगी। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, घड़ी में बज गए हैं, जेठू जी आए, सब कोई सो गए क्योंकि वो 1 घंटे वॉक करके आए, 12:15 हो गई है, ठीक है, आने को तो 15 मिनट हो गए थे, और मैंने उनको बोला है कि मुझे भूख लग गई है, कुछ खिलाओ, तो अब देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। रात को 12:15 बजे क्या कर रहे हो? सूप गरम कर खिलाऊं तुम? कुछ और भी खिलाओ, सूप है, दाल है। रोज रोज वॉक पे चले जाते हो, इतना कितना पतला होना है, फिट होना है, पतला नहीं, फिट होना है, ठंड वंड नहीं लगती अब? ठंड क्या, मेरे को तो आज दोपहर को ना पता, मेरे को ना आज दोपहर को एकदम से पसीने छूटने लग गए थे, एकदम इतने इतने पसीने आने लगे। ड्राई फ्रूट खाए? नहीं, ड्राई फ्रूट का दूध तो पीती हूँ यार मैं, मीठा नहीं, नहीं मीठा नहीं खाना, कुछ अच्छा अच्छा खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, बोल के बता दूंगा तुम्हें। यार यही होता है यार, जब भूख लगती है तो कुछ समझ में नहीं आता क्या खाओ। जलेबी, बूंदी के लड्डू, गुलाब जामुन, ये देखो ये राजस्थान के आए हुए गुलाब जामुन है, वो भी मैंने एक बचा के रखा है कि मैं खाऊंगी, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। सूप तो मैंने पिए थे, मैंने तो बोला था फर्म दिया था सूप बनाने के लिए, जेठू जी मेरे लिए सूप गर्म कर रहे हैं। अच्छा जेठू जी, एक बात बताओ,
मैं इधर आती हूँ। कल को हमारी बेटी हुई तो उसका नाम क्या रखेंगे? मैंने ना हमारी फैमिली को बोला है, सुशी मीना फैमिली को, कि आप सरिता और जेठू के नाम से कुछ नाम बताओ। अरे ऐसे नाम नहीं होता है। अरे फिर भी ना, किस नक्षत्र से आएगी, क्या नाम है? अरे सब हम वो तो एक जैसे पंडित जी निकालते हैं, वो तो हमें भी पता है निकालते हैं। वही नाम, वही नाम। एक एक नाम तो हम पर्सनली भी तो रख सकते हैं, सोच सकते हैं ना। जिस नहीं, मैंने उनको ये बोला है कि आप एक सजेस्ट करो, सहिता जेठू के नाम से एक बॉय का नाम, सहिता जेठू के नाम से गर्ल का नाम। सहिता जेठू हेमंत, तीनों का मिक्स। हाँ, मैंने यही बोला, हेमंत और हेमंत के, हेमी मत देना मुझे। बहुत सारे लोगों ने बोला हेमी 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 नहीं रखने वाली, हेमू और हेमू की बहन हेमी ना, मेरे को नहीं समझ में आया ये। मैं बताऊँ क्या रखेंगे? क्या सहज? सहज नहीं, फिर उसको क्लास में स्कूल में जाएगी तो बोलेंगे सहज आ गई, सहज आ गई। सहज सुंदर नाम बना, सरिता हेमंत जेठू। आपको पता है, सब मुझे ये पूछ रहे हैं आपको कैसे पता आपकी बेटी होगी। अरे भाई नहीं पता है, बेटा भी हो सकता है, बट ये भी नहीं है कि बेटा होगा तो उसका नाम भी हमको सोच के रखेंगे। क्या नाम सोचेंगे? वैसे हमारे में ना बुआ सोचती है, तो बुआ ही सोचेगी, बट फिर भी हाँ नहीं नहीं ऐसा मारेगी वारेगी कुछ नहीं, बट आप कुछ लेके हाँ थोड़ा सा सूप ही लाओ यार, यही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आप लोग मुझे जरूर जरूर बताना कि कोई नाम सजेस्ट करना जो सुंदर सा नाम हो, फिर मैं घर वालों को मना लूँगी, वो मेरी ड्यूटी है ना। सहिता जेठू हेमंत के नाम से मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। और क्या खाऊँ यार, क्रेविंग्स भी समझ में नहीं आती है, क्रेविंग्स किस चीज़ की है? कोई चीज़ की क्रेविंग्स नहीं समझ में आती मुझे, कोई भी दाल, मेरा और दाल का दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। आपको पता है मैंने दाल कैसे इंटेक की है? मैंने दाल इंटेक की है उसमें खिचड़ी में, खिचड़ी में चावल कम लेके दाल ली हूँ। और देखो मेरा पति ऐसे लेके खड़ा है, मेरा प्याला चवा रखो, हाथ में लेके रखूँ, ठंडो मेरे को कुछ और भी बनना था, बटर नहीं डाला, घी भी नहीं डाला, उधर किसको मैं आपके पास बैठ तू ले ली तो खाली पी ले। नहीं 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 बस इतना ही पीऊंगी मैं, पी जन तो पी ले, मैं तो भागूं नहीं, आपको सब आता है, मुझे पता है। नहीं मैं पी चुकी हूं, मैं भी पी चुकी, तो यही होता है। अब देखते हम पीती हैं सूप, सूप वो पी के आज मैंने बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग की है, पता है जेठू जी, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट की हैं, बहुत सारा बैठ बैठ के मैंने बहुत सारा काम पेंडिंग था वो सारा मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि धीरे धीरे मैं ये चाहती हूँ ना कि जब मैं छुट्टी पर जाऊँ ना तो मेरा बस काम का वर्कलोड नहीं हो, जितने मैंने काम ले रखा है उतने सारों का मैं काम कर दूँ। काम और कर सको, नहीं कर सको, और ज़्यादा काम मैं ले भी नहीं रही हूँ, बस यही है कि मेरे को जब नीड होती है कि मैं रेस्ट पे जाऊंगी, नींद आती है, सोना है तो मतलब सोना है, सब कुछ छोड़ के सो जाती हूँ, क्योंकि फिर बेबी होने के बाद तो हाँ मम्मी को सोने के दिन ही देखने पड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा। सो बस अब हम लोग पीते हैं सूप, और गाइस आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर ज़रूर बताना कि और खांसी का कोई अच्छा इलाज बताओ यार, ये अदरक वाला शहद वाला सब कर लिया, गरारा स्टीम सब कर लिया, नहीं अदरक ज़्यादा अगर लेने से ना मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं। हाँ कोई नहीं, चलती हैं एक मिनट, तो फिर है ना आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर ज़रूर बताना कि कुछ खांसी का घरेलू उपचार जो मैंने नहीं किया हो, और जो मैंने नाम बताया है वो प्लीज़ मुझे नाम सजेस्ट करना। और हाँ मुझे नहीं, मुझे बेबी गर्ल है वो नहीं पता है ऐसा कुछ भी, बस आप लोगों की सोच पे है, आप लोग ऐसा समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है बेबी बॉय भी हो, तो लेट्स सी क्या होता है ना। सो ये वाला व्लॉग यहीं एंड करें, खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना, मिलते हैं हम नए दिन नई शुरुआत नए व्लॉग के साथ।